देखिए, ये कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए खास वोट बैंक की राजनीति की गई है। हमारा ये मानना है कि इस तरीके से समाज नहीं चल सकता है। समाज को एकत्रीकरण करके, समाज को बैलेंस करके, संतुलित करके ही समाज को चलाया जा सकता है। तो हमारे बिहार के जो मुखिया हैं, ये गलत राजनीति के तौर से, गलत तरीके से ये एक समाज के अंदर में वैमनस्यता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और एकता में ही बल है, ये सबको पता है। लेकिन आज कुछ खास वर्ग जो लोग हमारे बिहार सरकार के अंदर हैं, उनको ये बिहार के अंदर में जो राजनीति हो रही है, बिल्कुल जातीय राजनीति हो रही है। वजह यह है कि आज जातीय समीकरण के आधार पे, जातीय जनगणना के आधार पे पूरे समाज को तोड़ा जा रहा है। और समाज अगर टूट जाएगा, समाज हमारी व्यक्ति की एक छोटी सी पाठशाला होती, शुरुआत होती वहीं से होती है। और समाज अगर टूट जाएगा तो देश को भी टूटने में देर नहीं लगेगा। हम यही दरख्वास्त करेंगे आने वाले सरकारों से, या सरकार जो बिहार की सरकार है, कि इस तरह की राजनीति मत करें। ये गंदी राजनीति है, इससे विद्वेष जनता में फैल रही है। और सबका साथ सबका विकास जो नारा है, यही साथ चलेगा, साथ चलता आया है, यही साथ चलेगा। हिंदुओं के पर्व की छुट्टियों में कटौती, और जो मुस्लिम लोगों का पर्व होता है उसमें वक्त और बढ़ा दिया गया, दिन की छुट्टियाँ और बढ़ा दी गई, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, इनका अपना खुद सोच तो है नहीं। ये जीते थे एनडीए से, भाजपा गठबंधन लेके जीते थे, जो कि आज इनको कम सीट रहते हुए भी मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इनको तो पद की गरिमा चाहिए था कि हमको तो इतना बढ़िया मिला है, और उस चेयर पर रह के भी यही सब पहले बोले कि मैं सुशासन का काम करूंगा। लेकिन आप लोग भी देख रहे होंगे, मीडिया बंधु से भी मैं आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रहे होंगे आप लोग कि कितना सुशासन बिहार में आज है। इतनी भ्रष्टाचार तो हमने, मेरा उम्र 46 वर्ष हुआ है, जब से होश हुई 18 वर्ष से, इतना भ्रष्टाचार तो मैंने देखा ही नहीं था। इसलिए कि पहले का जो था रिजेन कि आदमी हैंड टू हैंड पदाधिकारी से जाके काम करा लेता था, लेकिन आज पदाधिकारी से मिलना भी दूर है। और काम तो क्या होगा, काम तो आज तेगना राशि वसूला जाता है पदाधिकारियों के द्वारा। और खास करके रह गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि ये तो पलटू चाचू हैं, जान ही रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं, पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं कि पलटू चाचू हैं। अब पलटू चाचू हैं तो आज के डेट में लालू जी दो जातों पर राज किए थे, मुस्लिम और यादव जी। तो मुस्लिम और यादव जी आज भी जो है उनमें लोग में जागरूक आया, जो बुद्धिजीवी है यादव जी में, वो यादव जी भी, और जो मुस्लिम में बुद्धिजीवी है वो सारे पार्टी को देखते हैं, ये नहीं कि लालू जी और नीतीश जी को देखते हैं। लेकिन नीतीश जी को डर है कि अगर हम मुसलमानों का कटौती कर दिया तो तेजस्वी जी कान पकड़ के हमको चेयर पर से हटा देंगे। इसलिए वो मुस्लिम का कभी कटौती कर नहीं सकते जब तक के तेजस्वी जी के साथ रहेंगे। और इनका जो है सोच, आज अगर एक घड़ी के लिए सोच ले खाली कि छुट्टी, जैसे हम हिंदुओं की छुट्टी को कटौती किए, मुस्लिम की छुट्टी की कटौती कर, कल इनको तेजस्वी जी चेयर पर से हटा देंगे, कल हटा देंगे चेयर पर से, तभी किनका दामन थामेंगे, तभी किनका दामन थामेंगे। अभी चाह रहे हैं कि अगर ये हटावेंगे तो अभी हम भाजपा तर लेंगे। तो भाई, भाजपा तर लीजिएगा कि लोजपा तर लीजिएगा, कहीं तो आपको शरण लेना ही पड़ेगा। बिना शरण के आपको चेयर चाहिए सिर्फ, जनता का क्या हाल होगी ये आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चेयर चाहिए। तो भाजपा का लीजिए, लोजपा का लीजिए, आरजेडी का किनका लीजिएगा आप लीजिए। क्या किसी खास वर्ग को रिझाने के लिए ऐसा किया गया है? बिल्कुल, देखिए, अब जो जिस समुदाय विशेष को खुश करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये अपना पैतराज माया है कि छठ जैसे लोक आस्था के महापर्व के दिन भी छुट्टियां काट दी गई हिंदू समाज के लोगों का, तो ये किसी खास समुदाय के लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से इस तरह का घिनौना कर्तव्य किया गया है। और जिस समाज को ये आकर्षित करने के लिए किए हैं, वो समाज भी भली भांति जान चुका है कि ये हमारे अपने नहीं है। हमारा अपना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हमारा अपना भाजपा का कुशल नेतृत्व है, भाजपा के नीति और लोजपा का सिद्धांत, ये दोनों मिलकर के ही बिहार में आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में राज करेगी। क्योंकि
हर जाति इनसे तंग आ गई है, किस जाति के साथ इनका भेदभाव नहीं है। जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से बिहार की गद्दी संभाले, अगला पिछड़ा दलित महादलित करने में ही और किस तरीके से 2.5 साल का जो इनका हर पार्टी के साथ तालमेल का समझौता एग्रीमेंट पेपर पर रहता है, ये इतना बेईमान मुख्यमंत्री है कि जैसे ही कुर्सी सौंपने की बारी आती है तो 2.5 साल पूरा होने से पहले ही दूसरे साल में ही इनका आत्म जो है, उनका जो कहता है ना, आत्मा पलटने लगता है, अंतरात्मा जाग जाता है। और इनका अंतरात्मा जागने का मतलब है कि इनके अंदर सत्ता का बेईमानी आना चालू हो जाता है, और सत्ता का बेईमानी आना चालू हो जाता है तो जिस पार्टी से इनका व्यक्तिगत वचन रहता है कि भैया 2.5 साल तुम रहोगे, 2.5 साल हम रहेंगे, बस पलटी मार के बीजेपी के दामन में, तो कभी पलटी मार करके राजद के दामन में, राजद और भाजपा दोनों ही इनके प्यार का धोखे का शिकार हो चुकी है बिहार में। एकमात्र भाजपा का विकल्प लोजपा है, और राजद को भी चाहिए कि एन वक्त पर लोजपा जैसे कुशल नेतृत्व वाली पार्टी को सपोर्ट कर दे ताकि बिहार के युवाओं का भविष्य बेहतर हो। जो ये छुट्टियों में कटौती की गई है खास वर्ग का, फिर दूसरे वर्ग के छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है, क्या लगता है किसी खास वर्ग को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया है? जी, बिहार में ये एक राजनीति या साजिश या वोट बैंक कहिए, इसके वजह से हमारे कुर्सी सरकार ही कहेंगे, क्योंकि कभी भी पलट जाते हैं, उनको सिर्फ कुर्सी ही चाहिए। तो ऐसा कर रहे हैं कि एक वर्ग को रिझाने के लिए, एक समुदाय को रिझाने के लिए, एक कौम को रिझाने के लिए उन्होंने इस तरह का कर दिए हैं कि हिंदुओं का छुट्टी आज कट जाता है, जिसके कारण माता एवं बहना जो भी कहीं, या तो वो स्कूल में हो या फिर कहीं कार्यालय में हो, उनका व्रत तक टूट जाता है, व्रत तक हो नहीं पाता है। और आने वाला समय में इसी कारण है कि बिहार में परिवर्तन की सरकार और परिवर्तन खोज रहा है, हर जनजन तक या हर जनजन के लोग ये अब पहुंच चुके हैं, और हर जनजन के लोग इस बात को जान चुके हैं कि इन्हें हमारे राष्ट्र का सुरक्षा, रक्षा, न्याय का ख्याल नहीं है। यहाँ तक कि अब तो बोलने में भी फिसलने लगे हैं, यहाँ तक कि महिला लोग का जहाँ तक होता है बानी ही बानी में महिला लोग का प्रतिष्ठा पर भी हनन होता है, ऐसा उच्चारण कर बैठते हैं। तो अब इनसे हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं आने वाला समय में? तो हम युवा या फिर मातृशक्ति, बहना लोग जो भी हैं, भाई लोग, वो चाहेंगे कि हमारा एक ऐसा सरकार आए जो सबको मिला जुला के चले, और सब भाई भाई, जैसे कहा गया है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, और इसी के कारण हमारा राष्ट्र ही स्टेट से लेकर के राज्य से लेकर के राष्ट्र भी आज इसको मानता है, और हम लोग एकता और अथी में बंधे हुए हैं। लेकिन यह सरकार तोड़ने का काम कर रही है, और देखिए हर जगह न्याय का भी बात हो या फिर स्वास्थ्य का बात हो, कहीं भी कोई बढ़िया व्यवस्था आज देखने को नहीं मिलता है। और हम क्या मतलब, कोई भी लोग यहाँ सुरक्षित महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। अब जो समय, आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं कि आज हम देख रहे हैं कि हिंदुओं का छुट्टी कटौती, जो भी हिंदू का छुट्टी था उसमें भी कटौती होते जा रहा है। अब सोच लीजिए कि यहाँ भी एक विक्षोभ पैदा होगा, मतभेद पैदा होगा, जो एकता और समानता है आज कि हम लोग होली में, ईद में सब आपस में मिलते जुलते हैं, और छुट्टी कटते जाएगा तो इसके वजह से क्या होगा, समानता बढ़ेगा, और ये एक अच्छा नीति नहीं है। एक वर्ग के छुट्टियों में कटौती और दूसरे वर्ग के छुट्टियों को और बढ़ा दिया गया, क्या लगता है इससे समाज में विद्वेष फैलेगा, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार जो है ना, हमेशा जैसे मुस्लिम तुष्टिकरण हो गया, दलितों का तुष्टिकरण हो गया, ये जो है इतना दलित विरोधी है या जो कहिए मुस्लिम, लेकिन इस बार 2025 है ना, सारा समीकरण का ध्वस्त हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा, इनका कोई भी समीकरण काम नहीं करेगा। ये जो है कि इनके 33 वर्षों में सबसे ज्यादा इन दलितों को मूर्ख बनाया है। जब जब चुनाव आएगा तो कभी राम पर सवाल खड़ा कर देंगे, तो कभी जो है कि काल्पनिक बात, अरे भाई जब तुम सत्ता में हो तो राम और श्याम और मनुस्मृति पर सवाल उठाने से क्या आपको मिल रहा है? उससे जनता को क्या भला है जो बताइए? आप सत्ता में आप काम कीजिए, सेशन लेट चल रहा है, सेशन आप सही टाइम पे उसका कीजिए, उस पर काम कीजिए। तो ये जो है कि ये ग्रंथ में आप ये किया गया है, गाली दिया गया है, उससे किस बताइए किसको क्या फायदा है? देखिए, हिंदू का जो त्यौहार उसमें छुट्टी कटौती करके तो ये क्या है, मुस्लिम जो है कम समुदाय का उसका प्रलोभन करने का जो है तुष्टिकरण किया जाता है इसमें। अब देखिए, दलित जो है बाबा साहब के एकदम विरोधी है, इनका इतना वर्षों में एक भी बाबा साहब के चौक चौराहा या यूनिवर्सिटी उनके नाम से नहीं बनाया गया है, और अभी जो है भीम संसद लगा, जब चुनाव आएगा तो इनका भीम संसद होगा।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को कमजोर करने के लिए देखिए मेरे नेता स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी भी उनको कमजोर करने के लिए देखिए दलित महादलित करके पासवान कौम को अलग किया, वहां देखिए दलित तुष्टिकरण हुआ। तो ये इनका जो नीतीश कुमार का जो राजनीतिक है छल बल का ही राजनीतिक है, ये कभी विकास पर बात नहीं करेंगे, ये कभी शिक्षा रोजगार पर बात नहीं करेंगे, इनका है सिर्फ तुष्टिकरण ही है।